सो नाउ वी विल फोकस ऑन अ चेंज कंट्रोल सिस्टम. अब हम देखेंगे कि चेंज कंट्रोल सिस्टम क्या होता है. अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स व्हेन एंड हाउ ऑफिशियल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड वर्क मे बी चेंज्ड. ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होता है जिनमें हम फॉर्मली स्पेसिफाई करते हैं कि कब और कैसे जो हमारे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट चार्टर है, हमारा प्रोजेक्ट प्लान है, उसमें कब और कैसे जो है वो चेंजेस आ सकते हैं. सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस डिस्क्राइब्स हु इज ऑथराइज टू मेक चेंजेस एंड हाउ टू मेक देम. वो कौन से ऑथोरिटेटिव पर्सन्स हैं जो चेंजेस को अप्लाई करने के लिए ऑथराइज्ड हैं और उन चेंजेस को किस तरह से अप्लाई करना है, ये तमाम की तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे चेंज कंट्रोल प्रोसेस का पार्ट होती है. सो नेक्स्ट वी हैव द चेंज कंट्रोल बोर्ड जिसको हम CCB भी कहते हैं. चेंज कंट्रोल बोर्ड इज बेसिकली अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग और रिजेक्टिंग चेंजेस ऑन अ प्रोजेक्ट. बेसिकली जो भी चेंजेस हमने इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, जिनकी रिक्वेस्ट्स आती हैं, उन रिक्वेस्ट्स को हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो जितनी भी रिक्वेस्ट्स होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अप्रूव देम और टू रिजेक्ट देम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चेंज एंड द पर्पज ऑफ द चेंज एंड द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज एंड बाय रिव्यूइंग द बेनिफिट्स ऑफ द चेंजेस दिस टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल एंड द रिजेक्शन ऑफ दोज चेंज रिक्वेस्ट्स. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि CCB जो है ये हमारे आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है. सो जो बेसिक फंक्शन होता है चेंज कंट्रोल बोर्ड का वो यही है कि इन्होंने हमारी चेंज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. CCBs प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग चेंज रिक्वेस्ट, इवेलुएट चेंज रिक्वेस्ट एंड मैनेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड चेंजेस. सो CCB हमें वो सेट ऑफ गाइडलाइंस देता है जिन गाइडलाइंस को यूज करते हुए हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह से एक चेंज रिक्वेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर उन चेंज रिक्वेस्ट को किस तरह से इवेलुएट किया जाता है और इवेलुएशन के बाद हम चेंजेस को किस तरह से, जो अप्रूव्ड चेंजेस हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे. तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एज अ गाइडलाइन हमें CCB प्रोवाइड करेगा. CCB इंक्लूड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके में जो नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पर्सन हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बेसिकली इस पर्टिकुलर बोर्ड में तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है इन ऑर्डर टू रिव्यू द चेंज रिक्वेस्ट, टू अप्रूव देम और टू रिजेक्ट देम. और इफ दे आर अप्रूव्ड देन दे विल प्रोवाइड अस द सेट ऑफ गाइडलाइंस जिनको यूज करते हुए हमने चेंजेस को, अप्रूव्ड चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है. सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग टाइमली चेंजेस. वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे टाइमली चेंजेस को इनेबल करते हैं. सम CCBs ओनली मीट ओकेजनली सो इट मे टेक टू लॉन्ग फॉर चेंजेस टू अकर. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की ये पॉलिसीज होती हैं कि जो उनके CCBs बोर्ड होता है, जो उनका चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है, उनके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ओकेजनली उनकी मीटिंग्स होती हैं. सो किसी भी तरह के चेंज को अकर होने के लिए ये जरूरी है कि आपके चेंज कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हो और उस मीटिंग के रिजल्ट में जब भी ओकेजनली मीटिंग होगी चेंज तब अकर होगा. सो हमारे चेंजेस जो हैं वो बेसिकली ऐसे सिचुएशंस में अकर होने के लिए काफी टाइम लेते हैं. सो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होती हैं जिनमें CCB मीटिंग्स जो होती हैं वो टाइम टू टाइम होती हैं, ओकेजनली होती हैं. जब भी वो मीटिंग हेल्ड होगी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिजल्ट में हो रही है या स्केड्यूल्ड है, तो उस सूरत में कुछ चेंजेस को रिव्यू किया जाएगा और फिर उनको अप्रूव करके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाया जाएगा. तो ये जो चेंजेस होती हैं ये भी टाइमली होती हैं, बहुत टाइम लेती हैं, कुछ टाइम के बाद हम इन चेंजेस को कंसीडर करते हैं.
सम ऑर्गेनाइजेशन हैव पॉलिसीज इन प्लेस फॉर टाइम सेंसिटिव चेंजेस. कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो टाइम बेस्ड चेंजेस को कंसीडर करती हैं, जैसे वी हैव अ 48 आवर पॉलिसी. कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए 48 आवर पॉलिसी जो है अडॉप्ट की जाती है. उस पॉलिसी में ये होता है कि दे अलाउ प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स टू मेक अ डिसीजन. ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को अलाउ करती हैं कि वो किसी भी तरह का डिसीजन लें एंड हैव 48 आवर्स टू सीक अप्रूवल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट. और बेसिकली उस डिसीजन का जो अप्रूवल उनको मिलता है वो 48 आवर्स के अंदर मिल जाता है. कहां से? टॉप मैनेजमेंट से. सो इस सूरत में चेंजेस की इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. मैनेजमेंट क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट्स को, कंट्रोल करते हैं चेंजेस को और रिकॉर्ड और रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट करते हैं उन चेंजेस को एंड ऑडिट करते हैं प्रोडक्ट का टू वेरीफाई द कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट्स. सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का बेसिक जो गोल होता है वो ये होता है कि उन्होंने आइडेंटिफाई करना है और डॉक्यूमेंट करना है हमारी जो चेंज रिक्वेस्ट्स आती हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको. चेंजेस को कंट्रोल करना उनका गोल होता है. फिर उन चेंजेस को किस तरह से आपने परफॉर्म करना है उसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना और चेंजेस को रिपोर्ट करना. दीज आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट. और फिर प्रोडक्ट का ऑडिट किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि क्या वाकई ही यूजर की रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारे उस प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो स्टिल फुलफिल हो रही है या नहीं. सो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है, नो मैटर वेयर यू आर इन द सिस्टम लाइफ साइकिल. ये जरूरी नहीं है कि आप सिस्टम लाइफ साइकिल के किस फेज में या कहां पे हैं या किस स्टेज पे हैं. द सिस्टम विल चेंज. सिस्टम हमेशा चेंज होगा, चेंजेस जरूर आएंगे. And the desire to change, it will persist throughout the life cycle. और change की desire जो है वो हमेशा रहेगी throughout the life cycle of the project or the system. So changes हमेशा आते रहेंगे. आप किसी भी phase पे हैं, आपको changes को face करना है और changes को face करते हुए उनको proper तरीके से manage भी करना है और उनको proper तरीके से monitor भी करना है और उनको proper तरीके से control भी करना है ताकि हम अपने project की success को ensure कर सकें. अगर आप proper तरीके से changes को control नहीं कर पाएंगे तो उसका effect हमारे project की जो long term execution जो outcomes है उन पे होगा और project जो है वो fail होने के जो chances है वो बढ़ जाएंगे. So it is important कि किसी भी तरह का change अगर आप implement कर रहे हो, ये कंसीडर कर रहे हो, तो वो प्रॉपरली मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड होना चाहिए, मैनेज्ड होना चाहिए ताकि उस चेंज का इफेक्ट हमारे जो फ्यूचर आउटकम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे ना पड़े, उन पे असरअंदाज ना हो. सो ये चेंजेस क्या हो सकती हैं, जिन चेंजेस का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज पे कर हो सकते हैं. ये चेंजेस हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में भी हो सकती हैं, ये चेंजेस हमारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में भी हो सकती हैं और यूजर की रिक्वायरमेंट्स में भी हो सकती हैं. हमारा जो प्रोजेक्ट का प्लान है उसमें चेंजेस आ सकती हैं, हमारे टेस्ट प्लान में चेंजेस आ सकती हैं अगर हम टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में चेंज देखें, हमारे सॉफ्टवेयर मॉडल्स में चेंज आ सकता है, हमारे डेटा में चेंज आ सकता है या जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें चेंज आ सकता है. सो ये चेंजेस जो हैं वो बिजनेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं और यूजर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं. सो हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है. SCM इज अ सेट ऑफ ट्रैकिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज. ये ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है जिनका मकसद ये है कि हमने ट्रैक करना है और कंट्रोल करना है कि इन एक्टिविटीज को, दैट बिगिन विद द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बिगिन्स. जो कब स्टार्ट होती है, जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है एंड टर्मिनेट ओनली व्हेन द सॉफ्टवेयर इज टेकन आउट ऑफ ऑपरेशन. और ये कब एंड होती है, जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. सो द पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ प्रोडक्ट एज इवॉल्व फ्रॉम स्पेसिफिकेशन थ्रू डिजाइन डिवेलपमेंट एंड प्रोडक्शन. सो बेसिकली सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन का जो बेसिक पर्पज है वो हमारे प्रोडक्ट की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है, सालमियत को मेंटेन रखना है. मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमारी स्पेसिफिकेशंस में चेंज आ जाता है, डिजाइन में चेंज आता है या डेवलपमेंट प्रोसेस में चेंज आता है, तो उन चेंजेस के रिजल्ट में हमारे जो ओवरऑल प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो रियल स्पेसिफिकेशंस हैं,
जो रियल नीड्स है उनमें भी चेंजेस आ जाएं। ये जो चेंजेस है ये हमारे लिए जो है वो हार्मफुल होंगे। सो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन रख सकते हैं।